हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। ये हमारे 11th स्टैंडर्ड का सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है, जिसमें आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, एनिमल टिश्यूज, एनिमल मॉर्फोलॉजी एंड एनिमल एनाटॉमी के बारे में सारा सिलेबस आपको पढ़ना है 11th का सेकंड सेमेस्टर का कोर्स। इसके साथ में जब ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर दूंगी, फिर आपको नीट की प्रिपरेशन के क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस आप कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से, वो सारे मोटिवेशन वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन दूंगी। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट वीडियो पे, प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लांट का स्टडी हम करते हैं, वो आता है आपके मॉर्फोलॉजी के अंदर। एनाटोमी जब वही उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम प्रैक्टिकल में करते हैं, एक्सटर्नल तो हमें आंखों से दिख रहा है बाहर से, उसका रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे उसमें मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसमें हम उसका सेक्शन कटिंग करते हैं। रूट लिए, रूट का इंटरनल सेक्शन हमने कटिंग किया LS और TS, जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जाम में करते, उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उसके अंदर हमें स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, जिस टिश्यू के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में प्लांट टिश्यू के अंदर स्टडी की थी, वही स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखने आते हैं। एजाइलम, फ्लोएम टिश्यू, वो वाला हो गया प्लांट एनाटॉमी। एनिमल टिश्यूज के अंदर जैसे प्लांट टिश्यूज होते हैं, वैसे एनिमल के एवरी ऑर्गन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यूज, बोन्स टिश्यूज, उन सब की स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। एनिमल मॉर्फोलॉजी जैसे प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के उसकी स्टडी की जाती है, वैसे ही एनिमल का भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के उसकी स्टडी कराना प्लांट मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी जब हम किसी एनिमल को ओपन करते हैं, उसकी टू साइड्स होती है, वेंट्रल एंड डोर्सल। वेंट्रल साइड से उसे ओपन करके उसको डिसेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या दिखाई देते हैं हमें, उसके इंटरनल ऑर्गन्स, सेल मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर कंप्लीट बॉडी बनाती है। ये जो वेल डेवलप एनिमल्स हो गए जिसे हम स्टडी के लिए डिसेक्ट करके इजी वे में बता सकते हैं एनाटॉमी क्या है। पहले हमारे टाइम हमने डिसेक्ट करके सारे एनाटॉमी फाइंड की थी, बट नाउ फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवर्म, ये तीनों एनिमल आपके इसमें एनाटॉमी में है, जिनकी हम क्या थियोरिटिकल स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो उनके सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब किस तरह के एनिमल्स के अंदर है उसके बारे में स्टडी एनिमल एनाटॉमी। फिर नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने भी आपका सिलेबस कवर हो जाता है उससे रिलेटेड मैं आपको नीट की प्रिपरेशन दूंगी। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नाउ कम ऑन द टॉपिक, हमारे टॉपिक पे हम आ जाते हैं, रूट। मैंने आपके मेरे लास्ट वीडियो में रूट के बारे में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसे उसमें सारी डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। रिविजन एक बार शॉर्ट में करवा लेती हूँ, हमने रूट में क्या पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स। आपके सिलेबस में बहुत टाइप्स की रूट्स होती है, टेप रूट, एडवेंटेजियस रूट, स्लिट रूट, ये सब इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग होती है। आपके सिलेबस में अभी टेप रूट और एडवेंटेजियस रूट्स की स्टडी है, जिसमें मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद में फंक्शन ऑफ रूट्स में बताया था, टू टाइप्स के इसके फंक्शंस होते हैं। तो सिंपल फंक्शंस कि हमें आंखों से देखने पे ही पता चलता है, रूट है तो क्या करेगी, फिक्सेशन करती है, सपोर्ट देती है प्लांट के स्टेम को और दूसरे ऑर्गन को, और क्या करती है, सोइल को बाइंड करके रखती है। उसे बाइंड करने से ही वो प्लांट अपने जड़ों से मजबूत होकर के आगे इरेक्ट होता है, तो उसे बाइंडिंग करती है सॉइल के अंदर, फिक्स करती है, और वाटर और मिनरल्स हम जो कुछ भी डालते हैं सॉइल के अंदर, वो उसको रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट के अंदर ऑर्गन तक उसका ट्रांसफर करती है। स्पेशल फंक्शंस में हमने क्या क्या पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस का भी वर्क करती है रूट, स्टोरेज ऑफ फूड, क्लाइंबिंग, ब्रीथिंग, मैंने पकड़ूंगा, इस तरह के बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक का रूट का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम एक डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया था, लेकिन अगर आपने वो डायग्राम ड्रॉ किस तरह से करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, तो आप सेल पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं
वेरी सिंपल वे. इस तरह से आप प्लांट को ग्रो करना सीख सकते हैं. ये मैं आपको उसका मॉर्फोलॉजी का यहाँ पर रिवीजन करा रही हूँ. इसके मैंने आपको बताए थे प्लांट मॉर्फोलॉजी में किसी भी प्लांट के टू पार्ट्स होते हैं, जो सबसे हाईएस्ट डेवलप वेल डेवलप एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी की हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. उसके अंदर टू पार्ट्स कौन कौन से, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. Then, leaf, stem, bud, flower, and in the last fruit. And seeds are found inside the fruit. Seed fruit के अंदर आते हैं. फिर मैंने बताया था, जब भी कोई seed को हम grow करते हैं, वो seedling होता है, एक baby plant के रूप में बना, तो उसके जहां से उसकी रूट निकलती है वो पार्ट कहलाता है रेडिकल, और जहां से स्टेम निकलता है वो पार्ट कहलाता है रूमूल. इस तरह से आपकी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी, जिसका अभी रिवीजन भी हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेम. ये आपके स्टेम, मैंने अभी आपको रूट की मॉर्फोलॉजी बताई थी. उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, स्टेम. रूट के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टेम. जब रूट नीचे रेडिकल से निकल जाती है तो ऊपर प्लूमिंग से स्टेम निकलता है. स्टेम किसी भी प्लांट को इरेक्ट करता है, स्ट्रेट करता है, उसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और रूट जो कुछ भी वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है वो स्टेम सारे प्लांट के ऑर्गन्स में अदर ऑर्गन्स को ट्रांसफर करता है. जितने भी हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स है रूट के सिवाय, वो सब के सारे प्लांट के मेन वो सब कुछ स्टेम से ही प्रोड्यूस होते हैं. चाहे वो ब्रांच हो, ब्रांच के बाद लीव्स, लीव्स के बाद में फ्लावर, फ्लावर के बाद में फ्रूट्स, तो सबके सब किस पर प्रोड्यूस होते हैं, स्टेम पे. सबको स्टेम ही स्पेस देता है और उन सबको जो भी वाटर मिनरल्स ऑर्गेनिक फूड है वो सब कुछ ट्रांसफर करता है. इसके बाद में हम स्टेम की बात करते हैं. जैसे रूट के बारे में था कि वो क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और जमीन के अंदर सोइल के अंदर जाती है, और वो होती है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कि उसको लाइट की जरूरत नहीं होती, अंडरग्राउंड होती है. लेकिन स्टेम में जस्ट इसका अपोजिट होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हाइड्रोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक किसलिए होता है स्टेम, क्योंकि उसको जमीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऊपर अबोव पोजिशन उसकी, अंडरग्राउंड पोजिशन में. हाइड्रोट्रॉपिक इसलिए नेगेटिवली क्योंकि उसको सोइल से वाटर एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, उसे रूट ट्रांसफर कर देती है, उसे ही वो आगे ट्रांसफर करता है. पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक लाइट जो होती है उसकी वेन में रहता है सनलाइट की, उससे लीफ प्रोड्यूस होती है, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है. तो ये तीनों बातें मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्टेम के बारे में. क्या आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट हम आते हैं स्टेम की ब्रांचिंग पे. कोई भी स्टेम इस तरह से खड़ा है यहाँ पर, इसकी ब्रांचिंग कितनी बार हम इस तरह के देखते हैं किसी प्लांट में ब्रांचिंग इस तरह की होती है. कोई क्लाइंबर होता है, सिर्फ एकदम थीन होता है, कोई थिक होता है, कोई बहुत ज्यादा थिक होता है. हर वो श्रब जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थोड़े से थीन होते हैं, और जो बिग लार्ज साइज के ट्रीज होते हैं, बनियन ट्रीज, बैम्बू ट्रीज, उन सबके स्टेम्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. किसकी वजह से? क्योंकि डिपेंड करता है उनकी ब्रांचिंग किस तरह की है, क्योंकि टू टाइप्स की ब्रांचिंग आती है, डाइकोटोमस एंड लेटरल. डाइकोटोमस ब्रांचिंग वो होती है जिसमें सिर्फ जस्ट एपिकल बड निकली और उससे ब्रांचिंग उसकी हो गई. यह हम इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आप एग्जाम्पल को ध्यान में रख करके और फिर उसके बारे में सोचे, उसके कैरेक्टर एग्जाम्पल लिया तो उसके कैरेक्टर हो गए, वो हो गया डाइकोटोमस. मैं एग्जाम्पल लेती हूँ उसमें पाम ट्री का. पाम ट्री का शेप कैसा होता है, यहाँ पर एपिकल स्टेम जस्ट बड़ा हुआ, ग्रो हो गया, यहाँ पर इसकी एपिकल बढ़ आई,
एपिकल बड से इसकी ब्रांचिंग हुई जस्ट बोथ साइड में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसकी ब्रांचिंग हुई ओनली फ्रॉम एपिकल बड, सिर्फ एपिकल बड से ही हुई है। तो ये वाले डाइकोटोमस का डाइकोटोमस ब्रांचिंग ले जाती है। इसका एक ही एग्जाम्पल है हाइफिन, जिसे हम पाम भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, डायग्राम से हम इसका देख सकते हैं, क्लियर हो जाते हैं इसके सिम्टम्स कि हम इसे क्यों हम इसे डाइकोटोमस बोलते हैं, बिकॉज इट्स ब्रांचिंग स्टार्ट फ्रॉम ओनली एपिकल बड। अब सेकंड लेटरल, लेटरल क्यों बोलते हैं, जस्ट इसकी ब्रांचिंग जो होती है वो एपिकल बड से नहीं होकर के लेटरल बड से, इसके बाद में एक्सियल बड्स आती है उससे स्टार्ट हो सकती है। और इसमें टू टाइप्स की ब्रांचिंग आती है, साइमोस एंड रेसिमोस। जिसके अंदर बड प्रोड्यूस होती है वो वाली रेसिमोस, और जिसके अंदर नहीं होती है डायरेक्ट वो साइमोस। तो इस तरह के साइमोस में थ्री टाइप्स की मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ ब्रांचिंग, क्योंकि मैंने डायग्राम्स भी ड्रॉ किए, डायग्राम्स को देख करके इसके जो किस तरह की वो ब्रांचिंग है वो क्लियर हो जाएगी। ये तीनों साइमोस है। इसके अंदर फर्स्ट है स्कॉर्पिड यूनिपेरस, इसका डायग्राम देखिए, ये इसकी ब्रांचिंग हुई यहाँ से एक लीफ हुई अपोजिट साइड में, वापस अल्टरनेट बोथ साइड में, या तो लेफ्ट राइट और अल्टरनेट इस तरह की इसकी ब्रांचिंग है, तो वो कहलाएगा स्कॉर्पियोइड एंड यूनिपेरस, क्योंकि इसकी एक ही ब्रांच निकल रही है यहाँ से, लेकिन इससे जो इंटरनोड नोड के बाद इंटरनोड निकलती है वो बोथ साइड में होकर के बोथ साइड ब्रांचिंग होगी। तो ये वाला हो गया इसका एग्जाम्पल विट्रिस, स्कॉर्पिड यूनिपेरस एग्जाम्पल विट्रिस। नेक्स्ट हेलिकोइड यूनिपेरस, इसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक ही साइड में यहाँ से ब्रांचिंग हुई, फिर से यही वाली साइड में, ये लेफ्ट साइड है, फिर से यहाँ पर लेफ्ट साइड, फिर से लेफ्ट साइड, मीन्स सभी ब्रांचिंग एक ही साइड से होती है, वो चाहे लेफ्ट से हो या राइट से, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से, इसमें दोनों साइड से लेफ्ट में भी है राइट में भी और अल्टरनेट फॉर्म में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वन साइड से, इसलिए हम इसे बोलते हैं हेलिकोइड यूनिपेरस। और इसका एग्जाम्पल अशोका, अशोका जी आपने देखा है कैसे होती है उसकी ब्रांचिंग, ये वाली यहाँ से वन साइड में ही इसकी इस तरह से निकल करके हो रही है, तो ये वाले हेलिकोइड यूनिपेरस। फिर हम आ जाते हैं थर्ड नंबर की बाईपेरस, बाई मीन्स टू, अभी तक यूनि थी, यूनि मीन्स ओनली वन, वन ब्रांच निकल रही है यहाँ से, अब बाईपेरस में ये इसकी एक्सियल बड, उससे दोनों साइड में ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ से होके वापस दोनों साइड, यहाँ से वापस दोनों साइड, मीन्स बोथ साइड इट्स ब्रांचिंग, सो इट्स कॉल्ड बाईपेरस ब्रांचिंग। नाउ नेक्स्ट, ये तीन हमारी कौन सी हो गई, साइमोस, उसके बाद में रेसिमोस। रेसिमोस तो मोस्ट ऑफ हमारे कॉमन प्लांट जितने भी होते हैं, चाहे रोज हो, सनफ्लावर, सबके अंदर आप देखो बोथ साइड में इस तरह की ब्रांचिंग आपको मोस्ट ऑफ फ्लावर्स में, यही ब्रांचिंग फ्लावरिंग प्लांट में या नॉन फ्लावरिंग जो भी प्लांट हो, मोस्ट ऑफ ये वाली हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, बोथ साइड में होती है, अल्टरनेट होती है, वेल डेवलप होती है, वो वाली है रेसिमोस ब्रांचिंग। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, अभी हमने स्टेम की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसकी ब्रांचिंग कितनी है, किस तरह की, उसका स्ट्रक्चर बता दिया था मैंने कैसा है। अब उसके बाद आ जाती है लास्ट टॉपिक, इसके बारे में फंक्शन, टू टाइप्स के फंक्शन है, जैसे रूट के भी थे नॉर्मल और स्पेशल, वैसे इसके भी नॉर्मल एंड स्पेशल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन क्या है, रूट के क्या होते हैं कि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, फिर किसको ट्रांसफर करती है, वो स्टेम को, तो स्टेम वहाँ से उसको आगे के प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं उन्हें वाटर मिनरल्स ट्रांसफर कर देता है। इसमें स्पेशल टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, पोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोयम। जाइलम उसको एब्जॉर्ब करते हैं स्टेम तक, और फ्लोयम उसको ट्रांसफर करके उसका ऑर्गेनिक फूड बना देती है। इस तरह से उसका फर्स्ट फंक्शन हो गया ट्रांसफर करना, और सेकंड हो गया इसका कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, अगर स्टेम नहीं तो जो अदर ऑर्गन से वो किसके ऊपर प्रोड्यूस होंगे, सभी फ्लावर फ्रूट लीव सभी उसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, और सबको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। और थर्ड है इसका मेन फंक्शन, लीफ को सफिशेंट लाइट जो होती है वो स्टेम से मिलती है, अगर स्टेम के स्टेम नहीं होगा तो लीफ कहाँ पर प्रोड्यूस होगी, और लीफ नहीं तो प्लांट के फूड कहाँ से बनेगा। तो इसका ये नॉर्मल फंक्शन है, जो कि हम नॉर्मल वे में देखें स्टेम को पता लगा सकते हैं। नाउ स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन में फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे रूट होती है स्पेशल टाइप की, कि वो उसका रूट का मॉडिफिकेशन है रेडिश कैरोट, इसी तरह से स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है, जिंजर, पोटेटो, एमोरफोरस, हम जो
खाते हैं नॉर्मल भाषा में हमारे डेली, उसमें भी काम में आते हैं ये सारी वेजिटेबल्स। ये सब के सब क्या है, जस्ट एक स्टेम। इसके ऊपर हम पोटेटो को आप थोड़े दिन रखिए, उसके ऊपर ग्रीन कलर की बट आ जाती है, उसे आप उसी को कट करके उसे ग्रो कर दो तो फिर से उसमें पोटेटो निकलगा। क्या है वो चीज़, वो है स्टेम, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। नाउ नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल लेते हैं हम पिस्चिया। पिस्चिया है, ये इस तरह का एक फ्लावर है, इसको सोइल के अंदर ग्रो किया, सोइल के अंदर ही इसका एक यहाँ से पार्ट होता है, वो जा करके दूसरे साइड में एक न्यू पिस्चिया फ्लावर बना देता है। ये इसका पार्ट कहलाता है ये वाला ऑफसेट। ये ऑफसेट ही सोइल के अंदर जा करके निकल के फिर से न्यू पिस्चिया बन गया, ये इसका हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकंड एग्जांपल स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी सेम ऐसे ही होता है, स्ट्रॉबेरी हमने ग्रो की, उसका एक पार्ट सोइल के अंदर चला गया, उसको फेवरेबल कंडीशन भी नहीं, निकल के फिर से दूसरी साइड में दूसरा स्ट्रॉबेरी उग गया। ग्रास देखी आपने, ग्रास के सीड उगाते हैं, उसके आजू बाजू में बहुत सारी ग्रास पूरी एक्सपांड हो जाती है, तो ग्रास भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट है, कि जिसमें जस्ट उसको कोई भी पार्ट काट के सीड से या किसी से हम ग्रो नहीं कर रहे, डायरेक्ट वही पार्ट उसका सोइल के अंदर गया और ऊपर निकल के आ गया। ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके एग्जाम्पल पिस्चिया, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास। नाउ नेक्स्ट, प्रोटेक्शन। जिस तरह से कोई भी प्लांट है, अगर जैसे एनिमल्स वगैरह उस पर ग्रेस किए लेकिन उसके स्पाइन हुए या थोर्न हुए उसके ऊपर या पिक्कल हुए, तो उसको एनिमल ग्रेस नहीं कर पाएगा, वो स्टेम इस तरह से उसके प्रोटेक्शन का वर्क कर रहा है। उसका एग्जांपल है केरिसा एंड रोज। रोज के ऊपर, रोज का प्लांट स्टेम देखा है आपने, जिसके ऊपर इस तरह के प्रिक्कल होते हैं, गुलाब में रोज में कांटे होते हैं, तो वो कांटे वो ये वाले प्रिक्कल कहलाते हैं इस तरह के। जैसे हम रोज को तोड़ने जाते हैं कई बार हमारे पास हमें प्रिक्कल कर देते, तो ये प्रिक्कल इसे प्रोटेक्शन देते हैं। कैसिया, कैसा के ऊपर इस तरह के थोन होते, ये थोन कोई एनिमल वगैरह ग्रेस करेगा तो उसे नहीं कर पाएगा, उसको पिक कर देंगे, इसी तरह से रोज पर भी होते, तो ये स्टेम इन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। नाउ क्लाइंबिंग, पैशन फ्लावर, कुकुर बी एंड बीटर ग्राउंड। बीटर ग्राउंड वगैरह देखा है आपने कैसे होते हैं, वे क्लाइंबर होते इस तरह के, जिसके ऊपर फिर वेजी या फिर वेजिटेबल्स लगती है, तो ये क्लाइंबर जो है यह एक स्टेम है जो इसको क्लाइंब करने के अंदर सपोर्ट दे रहा है। कुकुर बीट, बीटर गार्ड एंड पैशन फ्लावर। पैशन फ्लावर के अंदर तो यहाँ से निकल करके इस तरह से टेंड्रिल बन जाता है, ये टेंड्रिल, ये किसी भी वॉल के स्टिक हो जाएगा, इसका स्टेम बहुत ज्यादा थिन होता है, तो प्लांट उसमें इरेक्ट कैसे होगा, उसको सपोर्ट करने के लिए टेंड्रिल वॉल के यहाँ पर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिससे कि वो स्टेम इसको सपोर्ट देता है, प्लांट इजीली ग्रो कर सकता है। नाउ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्क किसका होता है, मैन लीव्स का, लेकिन फिर भी कितने स्टेम ऐसे होते हैं कि जो खुद ग्रीन होकर के और प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं, वो मेनली पाए जाते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इस तरह के, इसका एग्जांपल बुचिन बेकिया एंड ओपनशिया। ओपनशिया आप सबने देखा है, इसका इस तरह का शेप होता है, इतना फूला हुआ एकदम स्पंजी और पूरा ग्रीन, ये इसका स्टेम है। इसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस होते हैं, वो लीव्स होती है, और वो लीव्स जो होती है वो तो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, और ये स्टेम इसका फुल के ग्रीन हो गया। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, वाटर की स्केर्सिटी होती है, पानी की कमी होने से उसको वाटर कम मिलता है, और अगर लीव्स से ट्रांसमिट हो गया वाटर, तो उसमें वाटर कितना मिलेगा, इसीलिए इसका स्टेम खुद ग्रीन होकर के फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है, और मुझे बेकिया में भी इसी तरह का पाया जाता है स्टेम। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल है डिस्कोरिया एंड एगेव। अपन इसको बल्बिल भी बोलते हैं। बल्बिल में क्या होता है कि वो फूड को स्टोर करता है, उसका स्टेम, वो स्टोर होने के बाद अगर हम उसका कट करके उसे ग्रो करें तो वो खुद भी ग्रो हो जाएगा, तो ये वाला हो गया बल्बिल, इसके अंदर इसका स्टोरेज ऑफ फूड का एग्जांपल। एंड नेक्स्ट है एगेव। जैसे आप एलोवेरा भी बोलते हैं एगेव, उसको देखा है उसका कैसा फ्लैशी स्टेम होता है इस तरह का एलोवेरा का, तो इसे भी हम कट करके अगर इसको ग्रो करें तो वो भी पार्ट फिट से ग्रोथ, इसकी वजह से, क्योंकि फूड को स्टोर करते हैं इसकी वजह से। ये सारे फंक्शन जो है वे डन, ऑल दीज आर डन बाय द स्टेम। अंडरस्टैंड स्टूडेंट।